अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये सब क्या है? ये बाहर वाला काला पानी हॉल में कैसे आया? इसका मतलब कोई बाहर से अंदर आया है तभी ये छाप बनी है। ये यहाँ कौन है भारुई? लो खोदा पहाड़ निकला चूहा। तुम लोगों के भी दिमाग के घोड़े न जाने कहाँ कहाँ दौड़ गए। अरे ये मिट्टी और ये काला पानी सब इस गमले का है। सही में माँ जी, फालतू में इतना समय बर्बाद हो गया। रूही जाके खाने की तैयारी कर। जी। मुझे सुंदरा से बात करनी होगी। सबके सामने है, मैं पटक से नहा के फ्रेश मेकअप कर लेती हूँ। दरवाजे खोलो। ये चूही यहाँ क्यों आई है? जल्दी से मेकअप कर लेती हूँ। सुंदरा सुंदरा आवाज तो आ रही है पर ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? चक्कर क्या है इस लड़की का? हे भगवान, ये ट्यूब तो खत्म हो गया और मेरे पूरे हाथ में मेकअप बचा। क्या करूं यार, फंस गई। सुंदरा दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जूही, यहाँ खड़े खड़े इतना शोर क्यों मचा रही हो? अब दादी वो सुंदरा दरवाजा ही नहीं खोल रही है, जाने क्यों? हाँ तो इसमें शोर मचाने की क्या जरूरत है, सो रही होगी वो। जूही क्या हुआ? जूही वो
क्या हुई जूही जी? मेरे को ठंड लगी तो मैं उड़कर सोई, कोई प्रॉब्लम हुआ? पर सुंदरा जी, क्या हुआ आपको? इतनी ठंड क्यों लग रही है? आप अब ठीक है ना? अगर तुम्हें इतनी ठंड लग रही थी तो तुम बाहर गार्डन में क्या कर रही थी? गार्डन में? अरे ये गार्डन में कहाँ थी, मुझे तो नहीं दिखी। हाँ दादी, हमें भी नहीं दिखी, लेकिन मुझे ये साड़ी का टुकड़ा बाहर मिला। रूही ये देख, ये मम्मी की साड़ी का टुकड़ा है जो तूने सुंदरा जी को दी थी पहनने के लिए, ये वही है देख। ये चोरी के बच्चे तो बहुत शाते हैं, कहीं इसकी वजह से मेरी फोन न खुल जाए, मुझे कुछ करना होगा। बोलो सुंदरा, तुमने मेरी मम्मी की साड़ी क्यों फाड़ी? जूही ये तो क्या बोल रही है, सुंदरा जी भला ऐसा क्यों करेंगी? वही तो मुझे भी जानना है ना रूही। अयो मैं कुछ समझा नहीं, आप बोला कि ये साड़ी फटा, कभी फटा? मैंने तो साड़ी धुलने डाली, उस पर दवाई गिरा ना, कम सी कम कम। नहीं नहीं सुंदरा जी, आपको हमें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, आप लीजिए ये शेक पीजिए और आराम कीजिए। लेकिन रूही मम्मी की साड़ी, जूही साड़ी पुरानी थी, फट गई होगी, हम बाद में देख लेंगे ठीक है। लेकिन रूही मुझे ये साड़ी का टुकड़ा गार्डन में मिला है, मुझे जानना है कि ये बाहर कर क्या रही थी। बोलो सुंदरा तुम क्या कर रही थी बाहर? जूही ये रूही और नहार के बच्चे की माँ बनने वाली है, तुम इसे आराम करने दोगी या थानेदारनी बनकर इसके सर पर नाचोगी? अब दादी लेकिन जूही सुंदरा जाओ अंदर आराम करो। रूही की पहल तो बड़ी तेज है, ये मेरे प्लान में रुकावट बन सकती है। इससे पहले कि ये मेरे रास्ते का कांटा बने, मुझे इसका कुछ ना कुछ तो परमानेंट इलाज करना ही पड़ेगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। नहार जी ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता, थोड़ा सा खा लीजिए। रोहित बस दो मिनट? हाँ बिल्कुल नहीं, आप अपना काम दो मिनट बात कर लीजिएगा, सबसे पहले नाश्ता कर लीजिए। Oh my God, इतना रोमांटिक नाश्ता, पहले बता दी तो अब तक खा भी लेता। वैसे ये मेहरबानी की वजह क्या है, आज कुछ स्पेशल है क्या? नहार जी बहुत जल्द हमारी जिंदगी में हमारा बच्चा आने वाला है, हमारा परिवार, हमारी जिंदगी सब बदलने वाली है, हमारा बच्चा हमसे हमारा सब कुछ ले लेगा, हमारा प्यार, हमारा वक्त, हमारा हर पल। कुछ साल तक हमारे पास एक दूसरे के लिए, हमारे रिश्ते के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं होगा, तो तब की कमी की भरपाई मैं आज पूरी कर रही हूँ। अच्छा जी, तभी मतलब बेबी आया तो पापा की वैल्यू खत्म? हाँ तो मम्मी की वैल्यू भी तो कम हो जाएगी ना, आपका भी तो पूरा ध्यान बच्चे पर ही होगा। हाँ वो तो है, फिर तो रूही हमें ये काम अभी जल्दी से पूरा कर लेना चाहिए। मतलब? पीछे देखो। क्या? वो ऊपर ऊपर, अच्छे से देखो। क्या ना आरजी, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। बस बस उधर उधर। तेरा मिलना है सब कुछ, ना कुछ पाने को बाकी है, तेरा मिलना है सब कुछ,
ना कुछ पाने को बाकी है, तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है, जीने के लिए तू काफी है। नाशी आप क्या कर रहे हैं स्टडी रूम में? अपने कमरे में नहीं छोड़ो। So what? देखो इससे पहले कि बेबी आ जाए हमें भरपूर रोमांस कर लेना चाहिए, क्या पता फिर मौका मिले ना मिले। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।